इस वीडियो अपडेट में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप 1 जुलाई से दिल्ली से बिहार या फिर बिहार से दिल्ली सफर करना चाहते हैं तो फिर आपको कौन कौन सी ट्रेनें मिलेगी और उन सभी ट्रेनों का परिचालन कौन से स्टेशन से देखने को मिलेगा, इस ट्रेन में बुकिंग कैसे होगी और इस ट्रेन में कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा, इन चारों सवाल का जवाब आपको हमारे इसी वीडियो अपडेट में मिलेगा। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो अपडेट में, इसके साथ ही वीडियो को आगे शेयर करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह रेलवे न्यूज अपडेट। दिल्ली से बिहार और बिहार से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर। रेलवे ने 12 अगस्त तक दिल्ली से बिहार और बिहार से दिल्ली के बीच कोई नई ट्रेन का संचालन को हरी झंडी नहीं दी है। यह परेशान करने वाली खबर है, लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली से बिहार आपको लगभग 14-15 ट्रेनें देखने को मिलेगी, जो कि 1 जुलाई से और 1 जुलाई को और 1 जुलाई के बाद भी आपको देखने को, इन ट्रेनों का परिचालन देखने को मिलेगा। इसमें मुख्य तौर पर कई ट्रेनें बिहार भी आती है और कई ट्रेनें हावड़ा, डिब्रूगढ़ एवं दिल्ली से तमाम स्टेशनों से खुलती है। तो चलिए जान लेते हैं आखिर कौन कौन सी ट्रेन इसमें बिहार आती है और बिहार होकर चलती है। इसमें पहली ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन राजेंद्र नगर से खुलती है। राजेंद्र नगर से न्यू दिल्ली के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का परिचालन आपको 1 जुलाई के बाद से भी देखने को मिलेगा। न्यू दिल्ली से राजगीर के बीच चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस की भी बात कर लेते हैं। यह ट्रेन भी फिलहाल चल रही है और आगे भी 1 जुलाई के बाद से चलती नजर आएगी। इसके अलावा भी 5 ट्रेनें हैं जो कि बेहद खास और महत्वपूर्ण ट्रेन है बिहार और दिल्ली को जोड़ने के लिए, और इनमें आनंद विहार मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली सहरसा वैशाली एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली दरभंगा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और दिल्ली से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस। इन तमाम ट्रेनों का परिचालन आगे भी जारी रहेगा और 1 जुलाई से इन सभी ट्रेनों का परिचालन देखने को मिलेगा। अगर आप सफर करना चाहते हैं दिल्ली या फिर दिल्ली से आना चाहते हैं बिहार तो फिर आप इन ट्रेनों के माध्यम से 1 जुलाई के बाद भी सफर कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन ट्रेनों में सफर करने के नियम। आपको इन ट्रेनों में सफर करने से पहले चेहरे पर मास्क, इसके साथ ही कंफर्म टिकट होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर करें, आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।